हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिमलैंड गैंग के मेंबर के नेम की सीट। तो बढ़ते हैं गेम की तरफ, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, हम लोग गेम के अंदर पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग नाम लिखने वाले हैं एजियो 18 रिप की। तो गाइस बढ़ते हैं वर्ल्ड की तरफ। ऑलराइट गाइस, हम लोग वर्ल्ड पहुंच चुके हैं। हम लोग इसको स्पॉन करा गया है स्प्रूस के बायोम में। हाँ, स्प्रूस के बायोम में स्पॉन करा गया है। और पीछे जंगल है शायद से जी, और सामने की ओर एक मस्त सा ओशन है। और शायद से हम लोग को यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर तो नहीं दिख रहा है, बट ये क्या एरिया है यहाँ पे अरे यार, लोडिंग करने में इतना टाइम क्यों लगाता है। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे हम लोग को कुछ ऐसा चीज़ मिला है। अरे तो स्टोन ही है, मेरे को लगा कुछ अलग चीज़ है। सो गाइस, काफ़ी ढूंढाढ़ करने के बाद भी मेरे को कोई स्ट्रक्चर तो नहीं दिख रहा है। सो गाइस बढ़ते हैं अगले मेंबर की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो नेक्स्ट मेंबर का नाम मैं लिख रहा हूँ, वो है ड्रीम बॉय। लेट्स गो गाइस, चेक करते हैं कहाँ पे हम लोग स्पॉन होने वाले हैं। कोऑर्डिनेट्स वगैरह ऑन कर लेते हैं और क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, हम लोग वर्ल्ड के अंदर स्पॉन हो चुके हैं। और ये एरिया तो एकदम साफ, अरे साफ नहीं, मतलब कि सैंड के पास हम लोग पहुँचे हैं। और पीछे मस्त सा ओशन भी है। देखते हैं कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर मिल जाए, लेकिन यहाँ पे अभी दिख तो नहीं रहा है, लेकिन चलो ढूंढते हैं साथ से मिल जाए। तो लोड होने में टाइम तो ओके गाइस, हम लोग को इस अच्छे ओशन के पास एक विलेज मिल चुका है। और आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बगैर आपको विलेज मिल जाएगा। और सामने एक ओशन भी, और मस्त आप लोग यहाँ पे बेस बना सकते हैं। गाइस मैं विलेज से दूर आ चुका हूँ और मेरे को और कोई स्ट्रक्चर तो नहीं दिख रहा है। तो गाइस पढ़ते हैं अगले मेंबर की तरफ, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, सो नेक्स्ट मेंबर कौन होगा वो मैं सोच रहा हूँ। सो मैंने सोच लिया है कि नेक्स्ट मेंबर है वो फलाना जी। तो गाइस हम लोग लिख देते हैं फलाना जी, लेट्स गो। गाइस बढ़ते हैं वर्ल्ड की तरफ को, 1 2 3 और हम लोग स्पॉन हो चुके हैं। और बगल में ही लावा है, यानी कि अगर आप लोग का पैर फिसला तो आप लोग डायरेक्टली लावा में गिरोगे। और यहाँ पे भी पिछली बार की तरह ही ऐसा मस्त सैंड का एरिया है। और देखते हैं यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर मिलता है कि नहीं। और सामने मेरे को एक केव दिख रही है और उसके नीचे कुछ अजीब सा, अच्छा ऐसा लग रहा है कि ना ये नीचे जो है, नीचे एक सा कुछ बन रखा है, उसने पूरा ऊपर को संभाल के रखा है, मतलब कि सपोर्ट उसने दिखा रखा है, ऐसा कुछ लग रहा है। और सामने जंगल बायोम मिल जाएगा आपको। तो गाइस आपको दो बायोम यहीं पे मिल जाएंगे आराम से, और उधर भी जंगली बायोम है। और लेफ्ट साइड चलते हैं तो गाइस आपको ये सवाना बायोम यहीं पे मिल जाएगा। और बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट मेंबर की तरफ। ऑलराइट गाइस, अपने नेक्स्ट मेंबर है क्वीन जैस्मिन। सो बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते नहीं हैं, बढ़ाते हैं, अरे यार वो पहुंचते हैं बड़ी तरफ। लेट्स गो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं और सामने ही फ्लावर दिखा है। अरे बाबा गाइस, ये देखिए गाइस, क्वीन जैस्मिन का सीट लिखता ही सामने फ्लावर है। और इधर पूरा माउंटेन ही फ्लावर का है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह फ्लावर ही फ्लावर है। तो गाइस आप समझ सकते हैं कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। और गाइस यहाँ पे जंगल भी है, ये जंगल नहीं है। और गाइस ये ऊपर से बोलते तो मस्त नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग को एक रोइन पोर्टल भी दिखाया है। तो गाइस ये रहा रोइन पोर्टल, और इसकी चेस्ट कहाँ है, उधर दी। तो गाइस ये रहा इसकी चेस्ट, और इसके अंदर हम लोग को मिले हैं गोल्डन कैरेट्स, ऑब्सीडियन और एक गोल्ड का ब्लॉक। सो गाइस यहाँ पे हम लोग को, चलो और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं और कुछ मिलता है या फिर नहीं। गाइस मेरे को एक चीज़ दिखी है, ये देखिए गाइस पिंक वाली बायोम, इसको क्या बोलते हैं मेरे को नाम नहीं मालूम, लेकिन क्वीन जैस्मिन के वर्ल्ड में हर चीज पिंक ही पिंक दिखी है। अभी शुरुआत में क्या ही दिखा था। सो गाइस बढ़ते हैं अगले मेंबर की तरफ। सो गाइस फाइनली अगले मेंबर है यस माड़ीपा, लेट्स गो गाइस। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं वर्ल्ड के अंदर। सो गाइस यहाँ पे हम लोग जंगल, नहीं जंगल नहीं, ओक, अरे हाँ जंगल ही है। और सामने स्प्रूस का बायोम है, और यहाँ पे ये ओक का बायोम है, ओक का बायोम ही होता है। हाँ तो गाइस ये यहाँ पे हम लोग को स्प्रूस का बायोम मिला है। और चेक करते हैं यहाँ पे कुछ अच्छी तगड़ी चीज़ दिखती है या फिर नहीं। गाइस अभी बड़े बड़े माउंटेन दिख रहे हैं, और यहाँ पे नीचे गंगा जमुना बह रही है। और गाइस मेरे को यहाँ पे बहुत बड़ी केव दिखी है सामने, ये देखिए गाइस बहुत ज़्यादा गहरी और बड़ी केव है, नहीं केव सॉरी केव। और ये कुछ हार्ट शेप की दिख रही है। तो गाइस अभी, तो गाइस नीचे चलते हैं। ओके तो गाइस ये देखिए बहुत गहरी केव है, और ये ड्रिप स्टोन की केव है, और यहाँ पे आप लोग मस्त माइनिंग कर सकते हैं। सो गाइस मैंने नाइट विजन का पोशन मार लिया है अपने ऊपर, ताकि हम लोग देख सकें नीचे में कुछ मिल सकता है या फिर नहीं। सो गाइस चलते हैं नीचे की ओर। और गाइस मेरे को यहाँ पे ड्रिप स्टोन के अलावा और कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। और नीचे हम लोग को कुछ मिला है, ये शायद एंशियन
नहीं एंशियंट सिटी नहीं है, मतलब कि वार्डन स्पॉन करने वाला एरिया है। तो यहाँ पे वार्डन, और देखिए गाइस यहीं पे आते ही मेरा नाइट विजन भी बंद होने लगा है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, बाकी अगर आपको पार्ट टू चाहिए तो कमेंट कर देना, और आपको किस किस यूट्यूबर की चाहिए वो भी आप लोग कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।